हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव्या होम आइटम्स। लेटेस्ट अमेजोन के न्यू गैजेट्स लेकर आ गई हूँ। किचन वेयर एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं। सभी प्रोडक्ट आप अमेजोन शॉपिंग ऐप से बाय कर सकते हैं एंड अदर शॉपिंग ऐप से भी परचेज कर सकते हैं। सभी प्रोडक्ट के अमेजोन बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं। लिंक को क्लिक करके डिटेल और प्राइस पता कर लीजिएगा। बड़े ही अमेजिंग प्रोडक्ट हैं। सभी प्रोडक्ट आपको ज़रूर पसंद आएंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना डिले किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आइटम आप देख सकते हैं, मॉस्किटो कॉइल होल्डर बॉक्स। ये मेटल का डेकोरेटिव डिज़ाइन में है एंड फायर प्रूफ है। आप इसमें बिना फिक्र किए कॉन्फिडेंटली कॉइल को जलाकर इसमें रख सकते हैं एंड आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनब्रेकेबल पॉलीमर प्लास्टिक कॉर्नर कैबिनेट। ये 3 टायर कैबिनेट है एंड स्मूथ प्लास्टिक डोर है। किचन काउंटर पर आप इसमें वैल्यूबल प्रोडक्ट रख सकते हैं एंड खाना पकाते समय सामग्री को इजीली यूज़ कर सकते हैं। अंडरवियर, सॉक्स, हैंकी, बेबी क्लोथ एंड सभी स्मॉल आइटम्स को वॉश करने के लिए ये मिनी पोर्टेबल वॉशिंग मशीन। इसमें छोटा सा ड्रायर बास्केट भी है कपड़ों को ड्राई करने के लिए एंड आप इसको यूज़ करने के बाद ड्रॉर या कैबिनेट में भी रख सकते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ सॉफ्ट लेदर सनग्लासेस पाउच फॉर मैन एंड वुमेन। ये सनग्लासेस सॉफ्ट केस की चेन हुक डिज़ाइन के साथ लाइटवेट है एंड आप इस बेल्ट लूप से अपने पर्स या हैंडबैग में सिक्योरली लटका सकते हैं। ये है डबल होल नीडल थ्रेडिंग डिवाइस। इस टूल की मदद से आप सुइयों को होल्ड करके बड़ी आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं मल्टी फंक्शनल लिक्विड सॉप ब्रश। इस डिस्पेंसर में डिटर्जेंट लिक्विड को फिल करके क्लोथ को बाथरूम की एंड किचन काउंटर की एंड सिंक की क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे शू को भी वॉश कर सकते हैं। ट्रेवल करते समय फ्रूट को सही से रखने के लिए फूड स्टोरेज बॉक्स आप ले सकते हैं। इसमें अपने फूड को सेफ एंड फ्रेश रख सकते हैं। इसमें कांटा चम्मच के लिए भी होल्डर दिया है एंड आप इसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं सेल्फ एडहेसिव प्लास्टिक बोतल स्टोरेज होल्डर। इसको आप वॉल में इंस्टॉल करके लिक्विड क्लीनर या सैनिटाइजर की बोतल को इजीली हैंग कर सकते हैं। इससे सैनिटाइजर या सॉफ्ट लिक्विड को यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है। ये है स्पंज मॉप विद आयरन हैंडल। इसमें सुपर एब्जॉर्बेंट स्पंज हेड रिफिल है। डर्टी मॉप को बिना छुए पानी को निचोड़ना इससे बहुत आसान है। आप हार्डवुड किचन फ्लोर बाथरूम एंड घर के फ्लोर की सफाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। यह है वॉल प्रोटेक्टर सिलिकॉन डोर बम्पर। डोर का हैंडल दीवार में लगने से दीवार और हैंडल दोनों ही डैमेज हो जाते हैं। वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इसको विंडो, रेफ्रिजरेटर और ड्रॉर्स के पास स्टिक कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ यूज़ होने वाला ये है सॉफ्ट किचन क्लोथ। इस क्लोथ से आप किचन काउंटर और सिंक एरिया की क्लीनिंग कर सकते हैं। ये पानी को बहुत जल्दी सोख लेता है। गैस स्टोव चिमनी को भी साफ़ कर सकते हैं एंड बर्तनों को भी साफ़ करके रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ वैक्यूम सक्शन का हुक। इसको लगाना काफ़ी आसान होता है। स्मॉल एसेसरीज को हैंग करने के लिए ये हुक बिल्कुल सही हैं। ये वाटरप्रूफ हैं, आप इन्हें बाथरूम में किचन में यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉर में कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए ये वार्डरोब क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र है। ये फोल्डेबल स्टोरेज बॉक्स है। इसमें कपड़ों को एंड और भी सामानों को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए ये बहुत अच्छे हैं एंड आप इसे वार्डरोब में स्पेस में इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं वाटरप्रूफ गैप सीलिंग फॉइल डेको टेप। इससे आप टाइल्स की गैप को सील कर सकते हैं, साथ ही साथ घर को भी डेकोर कर सकते हैं। ये हाई स्टिकिंग एंड वाटरप्रूफ है। ये इलेक्ट्रिक टूथब्रश होल्डर है, इजीली स्टिक कर सकते हैं। ये स्पेशली इलेक्ट्रिक टूथब्रश के लिए है। आप इसमें इलेक्ट्रिक टूथब्रश को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है और आप उसे घर बैठे बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कर लीजिएगा। सभी प्रोडक्ट के अमेजोन बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट जाकर भी परचेज कर सकते हैं। प्राइस ऊपर नीचे होने पर सिमिलर प्रोडक्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।